हेलो दोस्तों, विकास जांगड़ा चैनल में आपका स्वागत है। एक बहुत ही बड़ी सूचना मिली है भाई। एक चलती ट्रेन में 24 वर्षीय महिला ने एक बच्चे को जन्म दिया है और उस बच्चे का नाम उस ट्रेन के नाम पे रखा गया। हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं कि एक 24 वर्षीय महिला एक सफर कर रही थी। अगर आप बात करा मध्य प्रदेश से लेकर, मध्य प्रदेश से वो चल रही थी और किसी स्थान पे जाना था, उसके बीच में जो भोपाल और एक गांव और रहा उसके बीच में जो है उस बच्चे को जन्म दिया गया है। फिलहाल वो बच्चा जो हॉस्पिटल में ले जाया गया, और बाद में ले जाने से पहले मैं आपको बताऊं उस ट्रेन की जो कोच है उन कोचा ने भी उनकी हेल्प करी। जो महिला कोच थी उसने हेल्प करी। हेल्प करने के बाद उस 24 वर्षीय महिला ने आखिरकार उस बच्चे को जन्म दे दिया और उस बच्चे का नाम उस ट्रेन के नाम पे रखा गया, जिसका नाम है कामायनी। कामायनी तो आप पूछते हैं एक बार, मास्टर जी यहाँ पे बैठे हैं। राम राम मास्टर जी। राम राम भाई। तो मास्टर जी आप क्या कहना चाहोगे इसके बारे में? विकास भाई, बहुत अच्छी बात है। किसी प्रसव से युक्त महिला को अगर कोई सहायता करता है तो देखो इसमें तो बड़ाई की बात है और लोगों में इंसानियत अभी जिंदा है। यूं कहते हैं कि भाई अब कलयुग आ गया, अब लोग उतनी सहायता नहीं करते, ये तो देखो गलत है। लोग आज भी मदद करते हैं, पहले भी किया करते। हाँ थोड़ा सा लूट खसोट कई चीजें हो गई हैं, लेकिन इंसानियत जिंदा है और इंसान जो है इंसान के काम आता है। और मेरा ये मानना और सुझाव भी है कि इंसान को एक दूसरे की मदद करनी चाहिए ताकि लोगों को सहायता से हमारी भी सहायता हो। जब आप अच्छा करते तो अच्छा लौट करके आता है और बुरा करते तो बुरा लौट करके आता है। जैसा आप कर दोगे वैसा ही वापिस आएगा। तो हम मिलकर के इस समाज को स्वर्ग से भी सुंदर बना सकते हैं और नरक से भी बुरा बना सकते हैं, क्योंकि समाज में जैसे लोग होंगे, जैसा व्यवहार करेंगे वैसा ही तो समाज होगा। इसी कड़ी में अगर हम बात करें महिला के परसों के दौरान की, तो महिला को किसी गंतव्य पर जाना था, उसी दौरान उसको बच्चे की पीड़ा हुई, परसों पीड़ा जिसको कहते हैं। जब वो पीड़ा हुई तो वहां पर जो आसपास के यात्री थे उन्होंने वो जगह खाली कर दी और जो महिलाएं थी उसके ट्रेन के अंदर कोच में, जिसकी जो मतलब हेल्प के लिए होती है थोड़ी बहुत, उन्होंने उसकी हेल्प करी और बच्चा पैदा हुआ। इस दौरान जो बच्चा पैदा हुआ स्वस्थ हुआ और सब चीज से ओके था, तो उसका नाम भी ट्रेन के नाम पर कामायनी रखा गया, क्योंकि महिला जो है कामायनी एक्सप्रेस में जो सफर कर रही थी। तो जैसा कि हमने अभी अभी जाना इस बारे में, तो मुझे तो ये सुनकर के काफी अच्छा लगा और मैं उनको भी धन्यवाद करूंगा कि उन महिलाओं ने उसकी सहायता की। और उस महिला को भी जो है मैं साधुवाद देना चाहूंगा कि उसको इस समय पर सहायता मिल सकी। बाकी कर भला हो भला, अंत भले का भला। तो बस पूरी की पूरी सूचना आपने सुन ली है। अगर जिसने नहीं सुना हो अखबार में भी आ रही है, वीडियो ने ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दियो ताकि हर लोग एक दूसरे की हेल्प कर सके। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।